तो आप कितने साल से यहाँ अस्पताल में आ रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट आपका चल रहा है अभी? इसमें हमको साल अब लगे जा रहा है, जो एक दो महीना कम है साल में। हाँ जी, तो वो जो हड्डी वाला न्यूरी सर्जनी में रेफर कर दिया, वहाँ पर फिर MIR कराए तो वो दो गोली लिख दिया दर्द से, वो खरीद के खा लिए और वो भी रेफर कर दिया। एक पर्चा इसमें आपको पता चलेगा, हम तो पढ़े लिखे ना, अब वहाँ पर आ जाए तो आज का दिन है ना, ये शुक्रवार के बता रहे हैं। तो आपने पहले देखा नहीं था, पूछा नहीं था कि भैया दिन कौन सा? आप उनसे पूछते नहीं हो पहले कि किस दिन आपको आना है? शुक्रवार बुधवार का है। अच्छा, शुक्र के नहीं आता, आज बुधवार है। हाँ जी, आज नहीं देखा बोल रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, जो आपकी परेशानी एक्स-रा है, अल्ट्रासाउंड है या फिर कोई और दिक्कत आपको आती है, तो सरकारी अस्पतालों में आपको उसकी सुविधाएं मिलती है? अब सुविधा मिलता तो इतना दौड़े करते, प्रत्येक दिन 100 रुपया लगा के आते हैं, देख रहे हैं चेहरा कैसे होगा, दर्द से एक कमर में दर्द से। अभी अभी आपने मुझे बताया कि 2000 रुपए डॉक्टर लेते हैं, 2000 रुपए वो अपनी, आपने क्या करवाया हुआ है ये चीज मुझे बताइए। हम नहीं दिए, जितना जो MIR अंदर में कराता है हॉस्पिटल में। हाँ, वो पैसे से होता है, पैसे से होता है। हाँ, फ्री में कुछ नहीं होता लगता है। हाँ जी, बाहर से 8000 लगता है तो अंदर में 4000 रुपया लगता है। मतलब सरकारी अस्पताल होने के बाद भी आपके पैसे लगते हैं? हाँ, पैसा हर मरीज से लगता है। वो जो MIR कराएगा वो 2000 रुपया जमा करेगा, उसमें पहले 2000 रुपए जमा होंगे तब आपका आगे ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं होते, पैसों की समस्या है, तो आप क्या करते हैं? आप उनसे बोलते नहीं है कि भैया हम तो गरीब आदमी, हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? बताए तो वही जो INA मार्केट से बनवा के लाए हैप्पी टीवी। हाँ, तो फ्री किया, फ्री करा मतलब आपको? हाँ, फ्री। तो आपको अंदर जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करते हैं सही? नहीं सही, हम ट्रीटमेंट नहीं पूछते कि आप बता रहे हैं। इलाज आपका बढ़िया करते हैं डॉक्टर अंदर जब आप जाते हो? डॉक्टर सही बात करते हैं आपसे, आपका इलाज सही तरीके से होता है? अब दवाइयाँ तो देते हैं बेटे, खाते तो आराम नहीं। कितने दिन से आप दवाइयाँ खा रहे हैं? 2 महीना कम है साल भर में। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे 8 महीने। हाँ, 8 महीने से आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आपको अभी तक कोई आराम नहीं मिला? अब एक हड्डी के डॉक्टर से अब 3 जगह रेफर हो गया, अब तीसरा का रेफर में, अब देखो अब क्या होगा। बीमारी कहाँ आपको, कहाँ बताई बीमारी? वो बता रहा है जो कमर में हमको सिर्फ दर्द है। अच्छा, 10 मिनट तो, अगर चल लूं, हाँ, तो दर्द चालू। तो आप 8 महीने से इनकी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो 8 महीने से आप किस चीज की दवाई खा रहे हैं? वही का दर्द है, का कमर दर्द की, कमरे दर्द का। अभी आपने मुझे बताया आपने काफी सारे टेस्ट भी करवाए हैं यहाँ पे। हाँ, तो कोई बीमारी नहीं ठा रहा। अच्छा। हाँ, वो MIR में बता रहा है की नस का गड़बड़ी है, तो नस में भी गए तो वहाँ से रेफर कर दिया। तो ये डॉक्टर तो नहीं बताया, सिर्फ दवाइयाँ लिख के भेज दिया। तो वो जाके यहाँ पर है जहाँ MRI कराते है, वही लड़का से पता करे जे बाबू हम पढ़े लिखे ना है, डॉक्टर भी वैसे सही से नहीं बताता है। डॉक्टर सही तरह से बात नहीं करते आपके साथ? बताया सही से नहीं, सिर्फ बताया लिख दिया है ना रेफर किए है। अच्छा, लिख देते हैं, लिख दिया से इसी में जाओ, देखो यहाँ पर रेफर किए। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है आपकी हेल्थ के लिए कोई समाधान निकाले? अब तो वही जानेगा ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को, अगर वो आपको सुन रही है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि आपके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए इन चीज़ों में, कि जो आम जनता है, गरीब आदमी है, सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको उसके बाद भी पैसे देने पड़ते हैं, ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो आप कह रहे हो? आप 8 महीने चक्कर काटे हो, आपको सही नहीं हुए हो आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही है? सही नहीं हो रहा है बेटा। तो आप मानते हो कि डॉक्टर की लापरवाही है कहीं ना कहीं? तो अगर अच्छा से इलाज करता, अच्छा दवाइयाँ देता तो हम 8 महीना से दौड़ते रहते। अच्छा, डॉक्टर आपको जो दवाई देते हैं वो सरकारी अस्पताल के अंदर से मिलती है या बाहर आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं? नहीं, और अंदर से देता है या जो लिखता है तो बाहर से खरीदना पड़ता है। तो बाहर से आप कितनी महंगी दवाइयाँ लेते हैं कि बाहर से? तो ये दवाइयाँ लिखा है। अब तक आपने कितने रुपए की दवाई खा चुके हो आप अब तक? हम बहुत के खा चुके, काफी खा चुके दवा, बाहर से लेके अंदर तक इतना इतना दवा मिलता है। तो आप कितनी दवाइयाँ, आपकी एक बारी की दवाइयाँ कितने रुपए में आती हैं? अब एक बारी तो अब जो पैसा होता है वो लेते हैं 500-1000 के लिए बेटा, जैसे पैसा रहेगा वैसा ही अंदर से मिलता है। मतलब 500-1000 की दवाइयाँ खाने के बाद भी आज 8 महीने आपको पूरे होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि अभी आप सही नहीं हुई हैं? ऐसे बैठे तो दर्द नहीं है, अगर यहाँ से अगर 10 कदम चल जाएगी, खड़ा हो जाएगी, दर्द चालू। तो आपने यही समस्या डॉक्टर को बताई है? आप बताते हैं। तो डॉक्टर क्या इस चीज के ऊपर क्या कहते हैं आपको, क्या टिप्पणी देते हैं डॉक्टर? वो का रेफर कर दिया दूसरे में, कहे जो उसमें रेफर कर, मतलब वो आपका इलाज करने की जगह, दवाई देने के, सही दवाई देने की जगह आपको यहाँ से वहाँ घुमाते हैं?
अब वो दो दवाई लिख दिया। हाँ जी, दवाई बदल के दे देते हैं। हाँ, जो ये दवाई लिख दिया, बोला जो ये दवाई बाहर का है, अंदर हाँ में गए तो बोला जो बाहर का है, तो बाहर से खरीद लिए, 15 दिन 10 दिन के दवा दिया 200 का, और उसके बाद रेफर कर दिया, बोल दिया जे ये दूसरा में दिखाना है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में कि मेरी जो परेशानियां हैं, जो अस्पतालों के अंदर जो बीमारियां हैं, पर्ची बनाने में जो लाइन हो लगती है, क्या लगता है आपको इन चीज़ों के ऊपर आपको दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत, खड़ा होकर कितना घंटे खड़ा रहता है तो पर्ची बनता है। कितने घंटे आप लाइन में खड़े होते हो? अब जो जो आगा आता है उसका आगा बढ़ता है, जितना पीछे आएगा उतना पीछे रहेगा। फिर भी आपको कितने, मतलब आधा घंटा एक घंटा कितने? हाँ, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे लाइन में रहना पड़ेगा। एक से दो घंटे आप लाइन में लगकर पर्ची बनवाते हो, उसके बाद भी आपका इलाज पूरी तरह से नहीं होता? नहीं, हम तो 6 से रात में आके यहाँ पे पर्ची कटाते। रात को आके आप यहाँ पर्ची कटवा के जाते हो? मतलब जैसे दूरी है तो हाँ, सुबह में आएगी तो यहाँ तो लंबी लाइन लग जाएगा, कभी है ना जो रात के 10-11 बजे यहाँ पर आके सुबह में लाइन लग के पर्ची कटाते, बहुत दूर से आते। अच्छा, दूर से कहाँ से आते हैं आप? ओ, मनेसर की तरफ से। अच्छा।